जी, चैप्टर नंबर 11 है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। अब हम सी लैंग्वेज पे वापस आ गए हैं। डेटाबेस का पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। सी लैंग्वेज के हम तीन चैप्टर्स कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। ये आपको लेक्चर 1 और से ऑनवर्ड शुरू में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप हमने अब स्टार्ट करना है डिसीजन कंस्ट्रक्ट। इसका ये कॉन्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम लोग ना इससे पहले के डिसीजन कंस्ट्रक्ट स्टार्ट करें, ये रिलेशनल ऑपरेटर और रिलेशन एक्सप्रेशन, लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग पहले करके आ चुके हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले एक दफा जब हमने ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और इसके अलावा ये सारे ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें हमने अर्थमेटिक भी पढ़े, उनमें हमने ये दो पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर था, रिलेशनल था, लॉजिकल था, फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, छह थे टोटल, है ना, उनमें ये हम करके आ चुके हैं। तो लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे एक दफा फिर से रिवाइज कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो इसके अंदर कंडीशंस आती है, जो कंडीशंस है ना, उनमें ये ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर और रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये दो चीजें हैं। सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर देख लेते हैं, ये क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर सिंबल इज अ सिंबल यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहलाता है। इसके अंदर कंपैरिजन हो रहा होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर किया जा रहा होता है, और वो दो वैल्यूज की शर्त क्या है कि वो सेम टाइप के वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक करेक्टर ले लें यानी ए ले लें, और एक हम इंटीजर ले लें यानी 7 ले लें, और इनके दरमियान में कंपेरिजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों की सेम टाइप होनी चाहिए। टाइप का मतलब है जिस तरह का पहली वैल्यू हो उसी तरह की दूसरी हो, तो आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, इसके रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट किस सूरत में आता है, ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आता है, या 1 या 0 की शक्ल में आता है। अगर कंपैरिजन दोनों में, दोनों वैल्यूज कंपेयर हो गई हैं, तो वो ट्रू आंसर होगा, या फिर अगर नहीं हुई तो फॉल्स होगा। सही है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है। इसको कंपेरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। हमारी जो सी लैंग्वेज है ना, वो टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। वो कौन कौन से हैं, ये आपको ये वाला जो कॉलम है ना, इसके अंदर सारे शो हो रहे हैं। ये इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल एंड नॉट लेस देन इक्वल टू, ये 6 ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है और सी की 10 है, तो देखते हैं ये इन ऑपरेटर्स का रिजल्ट क्या होगा और ये कैसे इनको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अब एग्जांपल में हम लोग देख रहे थे कि ए की वैल्यू 10 है, बी 5 है, सी 10 है। पहला ऑपरेटर लेके चलते हैं इक्वल टू का। इक्वल टू में अगर हम कहें ए इज इक्वल टू बी, यानी कि जैसे ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, क्या ए की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, 10, और बी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो क्या 10 5 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या, अच्छा इक्वल याद रखें, दो दफा इक्वल डालना है, रिलेशनल ऑपरेटर दो दफा इक्वल डालेगा तो वो रिलेशनल ऑपरेटर बनेगा। अगर आपने सिंगल इक्वल डाल दिया, इसका मतलब है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है फिर, ठीक है, जो वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 10, तो ये जो इक्वल का साइन दरमियान में आ रहा है ना, ये वाला, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। रिलेशनल का इक्वल के लिए दो दफा इक्वल डालते हैं, ठीक है, इन चीजों को माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब 10 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू क्या है, ए की 10 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 5 है, क्या 10 और 5 एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल, तो क्या होगा, इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि ये वाकई इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आ जाए, ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, ग्रेटर देन, ए 10 इज ग्रेटर देन बी की वैल्यू क्या है, 5, क्या 10 इज ग्रेटर देन 5 है, यस, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। नेक्स्ट आ जाता है, ए की वैल्यू 10 आ गए है लेस देन, लेस देन का साइन डाला, और बी की वैल्यू क्या है, 5, क्या 10 इज लेस देन 5 है, नो, 10 इज ग्रेटर देन 5 है, सही है, 10 इज लेस देन 5 नहीं है, तो इसका आंसर ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, 10 इज ग्रेट, यानी ए की वैल्यू 10 है, 10 लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल 7 आ गया, सी की वैल्यू क्या है, वो भी 10 है, क्या 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 10 तो नहीं है,
लेकिन 10 इज इक्वल टू 10 तो है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। नेक्स्ट आ जाता है, ए की वैल्यू क्या है, 10 लेस देन इक्वल टू, ये ऑपरेटर आ गया, रिलेशनल ऑपरेटर आ गया। और सी क्या है, सी की वैल्यू क्या है, वो भी 10 है। अच्छा 10 इज लेस देन 10 तो नहीं है, लेकिन 10 इज इक्वल टू 10 तो है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, ये हमारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर का थोड़ा सा देख लें। ये कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर सिर्फ न्यूमेरिक क्वांटिटीज, यानी कि इंटीजर या फिर फ्लोट पॉइंट, इंटीजर और फ्लोट पॉइंट, या फिर बीच में एक इन्होंने एक और ऐड कर दिया सिंगल कैरेक्टर वैल्यूज, सिर्फ इनके ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया जा सकता है, रिलेशनल ऑपरेटर लगाया जा सकता है, इनके अलावा किसी और पर रिलेशनल ऑपरेटर नहीं लग सकता। वैल्यूज में भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज और वेरिएबल्स और रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज भी हो सकती है, अभी जो हमने किया यानी कि हमने 10, 5 ये क्या थी, ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज थी। ठीक है, इनके ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर लग सकता है, ठीक है, वेरिएबल पे भी लग सकता है, जैसे हम कह रहे थे ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों क्या है, वेरिएबल्स है ना, इनके ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ओके। और फिर रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर आपने देना है उसके ऊपर भी, एक्सप्रेशन के रिजल्ट पे भी किया जा सकता है रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई। सही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑपरेटर मस्ट बी सेम डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल से, और वो भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, वो किसी और टाइप का वेरिएबल होगा तो आप उसको दरमियान में कंपैरिजन नहीं कर सकते। सेम डेटा टाइप होनी चाहिए दोनों वेरिएबल्स की जिनको आप कंपेयर करने जा रहे हैं, अदरवाइज एन एरर में अकर एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में टर्मिनेट। एरर आ जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगी, एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, इन सी स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग्स को रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। सही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम है, आप उसको रिलेशनल ऑपरेटर से नहीं कंपेयर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं कह सकते कि आमना इज इक्वल टू कुछ भी कह दे अनम, आप ये नहीं लिख सकते। अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है विच इज strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, इसका इस्तेमाल करते हुए आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन पे। ऐसा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताया था ना हमने, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में किया था, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है कि कोई ऑपरेंड होते हैं, दो या दो ऑपरेंड के, और बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर होता है, वो एक्सप्रेशन क्या मिलके एक एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेंड है ए और बी जिनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है, और ऑपरेटर कौन सा है, जो यानी कि जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्लस है, तो ये क्या होगा, ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। चूंकि इसके अंदर ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो इसलिए ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर लगा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वल इक्वल का साइन डाल देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। सही। एक्सप्रेशन क्या होता है कि दो ऑपरेंड्स और एक कोई बीच में रिलेशनल ऑपरेटर, उन ऑपरेंड्स के दरमियान में ये आ जाए तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है। एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो होता है ये भी ट्रू की सूरत में होता है या फॉल्स की सूरत में होता है, जीरो की सूरत में होता है या वन की सूरत में होता है। रिलेशनल एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लूपिंग में, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, एज अ टेस्ट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन हमने जब भी किसी स्टेटमेंट में कंडीशन देनी होगी उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। इन सी, ट्रू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी नॉन जीरो वैल्यू। ट्रू का क्या मतलब है कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, और फॉल्स का मतलब है यानी कि जीरो वैल्यू। ठीक है, ये चीज हमारी हमारे पास आ जाती है। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वही एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू 6। तो ए इज ग्रेटर देन सी है, ए की वैल्यू क्या है 6, ग्रेटर देन सी की वैल्यू क्या है 6। क्या 6 इज ग्रेटर देन 6 है? नहीं, 6 इज इक्वल टू 6 हो सकता है, 6 इज ग्रेटर देन 6 तो नहीं है ना, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। ठीक है, इसी तरह अब ये सारे हम ये एक दफा पीछे करके आ चुके हैं, आपने एक दफा इनको सारों को चेक कर लेना है। ठीक है, इसको एक दफा इसको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी हम कर चुके हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूजफुल लॉजिकल कंडीशन। लॉजिकल कंडीशंस लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए कंबाइन कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये
दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इनके दरमियान में कोई एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा देते हैं जो कि इन दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन कर देता है। ठीक है, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये, मैथ्स में आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़े होंगे, ये वही सेम वही चीज है, ये आप लोगों ने कंप्यूटर में भी पढ़ के आए होंगे मैट्रिक वगैरह, बहरहाल ये फिजिक्स में भी है। ठीक है, ये कौन कौन से ऑपरेटर है फिजिक्स में, आपने गेट्स के नाम से पढ़े होंगे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या होता है, इसको डबल एम्परसेंट साइन से, यानी ये जो एम्परसेंट साइन ये होता है दो दफा डालेंगे तो ये और ऑपरेटर का सिंबल बन जाता है। सही है, सिंगल नहीं डालना, सिंगल किस चीज का था, सिंगल एम्परसेंट साइन क्या था, ये आप लोग पढ़ के आए हैं, ये आप लोगों ने इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर में पढ़ा था, एड्रेस ऑपरेटर जो के आपके पास सी इन की स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये एड्रेस ऑपरेटर सिंगल बन जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए डबल एम्परसेंट साइन इस्तेमाल करेंगे, डबल दो दफा एम्परसेंट साइन डालेंगे। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस, दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। एंड ऑपरेटर का गेट, वो आपके पास ट्रुथ टेबल क्या था वो याद कर लें बस, ट्रू ट्रू क्या होता है, अगर दो वैल्यूज ट्रू हो तो आंसर भी ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्या होता है, अगर ट्रू एंड फॉल्स क्या था, फॉल्स होगा। सही है, फिर क्या था, फॉल्स एंड ट्रू क्या था, वो भी फॉल्स था, और फॉल्स फॉल्स क्या होता है, वो आपके पास वो तो फॉल्स होता ही है, यानी कि अगर आपके पास दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ही आपका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अच्छा, और ऑपरेटर में आ जाए, ये डबल पाइप साइन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, डबल पाइप साइन के साथ इसको डिनोट किया जाता है। इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन, इसका ट्रू टेबल क्या था, इसका था ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, अगर ट्रू फॉल्स है दो वैल्यूज तो उनका रिजल्ट क्या, आंसर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ही करेगा। अगर फॉल्स ट्रू है तो आंसर क्या रिटर्न करेगा, तो भी ट्रू ही करेगा, और अगर फॉल्स फॉल्स है तो आंसर क्या रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी कि अगर कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम इस तरह लिखा, returns true if either of the expression is true and returns false if both relational expressions are false। सही है, ये truth table अगर आपके जहन में है तो आप easily ये इसका result भी find out कर सकते हैं। Next आ जाता है not operator। Not operator is denoted by not sign। ये जो exclamation mark है ना, ये वाला sign, इसको not के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये expression के result को reverse कर देता है, यानी कि अगर true है तो उसको false कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लॉजिकल नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्रेशन पे। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो और उनके दरमियान में कनेक्ट कर दिया जाए एक लॉजिकल ऑपरेटर से, यानी कोई एंड ऑपरेटर हो सकता है डबल एम्परसेंड साइन के साथ, या ये और हो सकता है पाइप दो पाइपलाइन के साथ, या ये नॉट हो, नॉट के लिए सिंगल एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन है और उसके पीछे नॉट का साइन लगा हुआ है, ये क्या हो गया, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया। इसको कंपाउंड एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इसका रिजल्ट भी ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा। अब ये आप और करें, ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या है 10 है और बी क्या है 5 है, 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू है, अच्छा ट्रू। एंड अगला आ जाए, ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि ए क्या है 10 है और सी क्या है वो भी 10 है, तो क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स, 10 इज इक्वल टू 10 तो है लेकिन ग्रेटर देन 10 नहीं है। अब आप गौर करें, एक ट्रू है एक फॉल्स है, अगर आप इनको इनके दरमियान में एंड लगाए तो इसका आंसर क्या होगा, या आप ट्रूथ टेबल पे आ जाए एंड वाले ट्रूथ टेबल पे, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। सही है, अब नेक्स्ट आ जाए, ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू है, ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 5 है, और बी इज इक्वल टू सी, 5 इज इक्वल टू 10 है, नो 5 इज इक्वल टू 10 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो क्या ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर क्या है, ट्रूथ टेबल पे आ जाए और के, विच इज ट्रू। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है नॉट ए और बी, नॉट पहले नॉट का साइन आ गया, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी के 10 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल ट्रू है, 10 इज ग्रेटर देन 5 है, साथ आपने नॉट लगा दिया, यानी के ट्रू को फॉल्स कर देगा, रिवर्स कर दिया ना आउटपुट को, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा।
ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम सी लैंग्वेज में इन ऑपरेटर्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास 1, 2, 3, 4, ये 4 वेरिएबल्स हैं, टोटल, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर. तो अगर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है कि उन के आप स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स ले आओ जिनके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 700 हो एंड कंप्यूटर के मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तो आप इस तरह से लिखेंगे, वेरिएबल टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 700, ये एंड ऑपरेटर आ गया और कंप्यूटर इज ग्रेटर देन 90. ठीक है, वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए और लॉजिकल ऑपरेटर को आप इस तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे कहां पे, जब अपनी कंडीशंस आप लिखेंगे सी लैंग्वेज में. इसी तरह इस नीचे वाली एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स, टोटल मार्क्स 600 से ज्यादा है, या फिर और आ गया ना, या फिर इंग्लिश के मार्क्स 70 से ज्यादा है, तो फिर उनका, उनके बारे में जो है ना, जो भी इसके आगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो जो भी आगे आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है वो आप लिख सकते हैं. या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स कंप्यूटर के ग्रेटर देन 33 है, 33 नॉट आ गया, 33 नहीं है, तो उनका रिजल्ट शो कर दो. ठीक है, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है. इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर कंप्यूटर के मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 33 है. ठीक है, एक ही बात हो गई ना, अगर 33 से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू 33 होंगे. सही है. अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाती है कंट्रोल स्ट्रक्चर. अच्छा, इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम चाहे, इससे पहले कि हम डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स और लूप कंस्ट्रक्ट्स जो कि चैप्टर नंबर 11 और 12 पढ़े, हम पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर देख लेते हैं होता क्या. ये इंट्रोडक्शन है. कंट्रोल स्ट्रक्चर है कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में मूव करता है और उसको एग्जीक्यूट करता चला जाता है, उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करता जाता है. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि प्रोग्राम में सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स की बहुत अहमियत है ना, किस सीक्वेंस में आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं. एल्गोरिथम में या प्रोग्राम में, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप जूते पहनते हैं तो जूते पहनने का एल्गोरिथम क्या होता है आपका, कि आपने पहले सॉक्स पहननी है फिर जूता पहनना है. अगर आप पहले जूता पहन लेंगे बाद में सॉक्स पहनेंगे तो क्या होगा, ये तो कोई सीक्वेंस ना बनी. ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी खराब होगा. तो इसीलिए सी लैंग्वेज में भी इसी तरह होता है कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि, जो भी सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा है, अगर वो सीक्वेंस में है तो कंट्रोल उसी सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूट करेगा. फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, पहले ये स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, इसको कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, स्टेटमेंट 2 को करेगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा, स्टेटमेंट 3 को करेगा, एंड सो ऑन करते करते जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको 1 by 1 एग्जीक्यूट करता चला जाएगा. इसका मतलब है कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, कंट्रोल मूव हो रहा है फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर. ठीक है, नेक्स्ट आता है सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स फीचर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम. सी लैंग्वेज आपको फीचर देता है कि आप बजाय इसके कि ये एक के बाद, अगर मैं चाहूं कि ये एक प्रोग्राम स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई है उसके फौरन बाद मैं चाहती हूं कि 13 वाली एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये सी लैंग्वेज आपको ये जो है ना इसकी ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है. वो किस तरह कर रहा है, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के जरिए कर रहा है. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एग्जीक्यूशन के कंट्रोल को, एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं. अच्छा, ये तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. सबसे पहले आ जाता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर. अब तक हम जितने प्रोग्राम करते आ रहे हैं वो सब सीक्वेंस स्ट्रक्चर में ही हम करते आ रहे हैं. इसमें क्या होता है, सारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन एन सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन. जिस तरीके से प्रोग्राम लिखा होता है उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट भी होता है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास प्रोग्राम है तो पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी. जिस तरह से लिखी हुई है उसी फ्लो में उसने एग्जीक्यूट होना है. कंट्रोल एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं घूमेगा. ठीक है, स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर एंड ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड. पहली स्टेटमेंट से शुरू होगा और लास्ट स्टेटमेंट जो भी इसकी होगी वहां तक एग्जीक्यूट होगा. बीच में ना कोई स्टेटमेंट स्किप करेगा, ना किसी स्टेटमेंट में को फॉरवर्ड करेगा. ठीक है, ये हो गया सिलेक्ट सीक्वेंस स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर हम अब तक यूज करते आ रहे हैं. अब हम अगले पे आ जाते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर. ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अब हम इस चैप्टर में यूज करेंगे इसे. ये थोड़ा डिफरेंट है. इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इज यूज फॉर सिलेक्टिंग अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई,
ये दूसरे प्रोग्राम दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पे एक कंडीशन आ गई तीसरी स्टेटमेंट में, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इनको इग्नोर करके अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने लगेगा। कंट्रोल ट्रांसफर कर रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन नहीं ट्रू, तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा और अगली जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही होगी वहां पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसको डिसीजन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम भी यही है ना, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम आर रिटन इन सीक्वेंस, इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में ही लिखना है, इंस्ट्रक्शन को आगे पीछे करके नहीं लिखना, लेकिन जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स होंगे ये डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होंगे, यानी कि ये कंडीशन होगी जो कि रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए लिखी होगी, इसका रिजल्ट देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू उसके अकॉर्डिंग फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो अगली होंगी उनका फैसला होगा कि क्या इनको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। ये कंट्रोल जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल जो है वो अगली स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा, अदरवाइज ये सारी स्टेटमेंट स्किप करता हुआ इस कंडीशन के अंदर जो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स आ रही थी इनको स्किप करता हुआ इस कंडीशन के अलावा बाहर जो है इस कंट्रोल कंस्ट्रक्ट के अलावा दूसरी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, गिवन कंडीशन इज टेस्टेड, ये कंडीशन आ गई, कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट दैट फॉलो सिलेक्शन स्ट्रक्चर आर एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अंडर ये तीन ये स्टेटमेंट्स आती हैं, इस कंडीशन के बाहर जो है फिर बाकी और प्रोग्राम आना शुरू हो जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होंगी तीनों स्टेटमेंट्स और फिर उसके बाद कंट्रोल अगली स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, या तो ये तीन सारी इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है, और कंट्रोल अगली स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा, या एक तरीका और है कि कोई अल्टरनेट पाथ होगा। कोई अल्टरनेट पाथ क्या है, ALT मैं इधर लिख रही हूँ, अल्टरनेट पाथ कोई भी, उसकी कोई एक दो स्टेटमेंट्स होंगी, फिर क्या होगा, या तो ये तीनों इग्नोर होंगी तो जो अल्टरनेट स्टेटमेंट्स है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और फिर कंट्रोल अगली स्टेटमेंट्स पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इनको हम करेंगे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, ये तीन स्टेटमेंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाती है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जो के है लूप कंस्ट्रक्ट्स का। ठीक है, लूप कंस्ट्रक्ट में हम ये सारी रेपिटेशन स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। ये कैसे काम होता है, हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अभी, बाकी हम जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं जो कि ये आपको शो इस वक्त नजर आ रही हैं, लूप, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप, इनको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, अच्छा ये होती क्या है, इसमें भी कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन है, इस कंडीशन के अंडर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, ये सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं ये बार बार एग्जीक्यूट होंगी। एक दफा कंट्रोल इधर ट्रांसफर हुआ, फिर सेकंड स्टेटमेंट पे हुआ, फिर थर्ड पे हुआ, फिर फोर्थ पे हुआ, फिर कंडीशन चेक करेगा कि आया कंडीशन ट्रू है या नहीं है, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, फिर दोबारा से कंट्रोल यहाँ पे इस स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट किया, टू को किया, थ्री को किया, फोर को किया, फिर दोबारा से वापस जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई है या नहीं, हो गई है, फिर दोबारा से इसी स्टेटमेंट को इन्हीं चार पांच तीन चार स्टेटमेंट्स को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा कंट्रोल जाएगा कंडीशन के पास, चेक करेगा कंडीशन ट्रू हुई है या नहीं, कंडीशन क्या है, अब कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो क्या होगा, कंट्रोल फिर वापस अगली इन स्टेटमेंट्स को स्किप करता हुआ अगली स्टेटमेंट्स पे जाएगा, यानी कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं उनको बार 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 एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा, कब तक, जब तक के कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट्स जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो लूप हट जाएगा। लूप क्या होता है वैसे, आम अल्फाज में आपने इनको इसको लूप कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर या फिर इंटरेक्शन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लूप होता है, अगर आप आम जिंदगी में अगर देखें तो एक ऐसी चीज जिसका स्टार्ट और एंड सेम हो। ठीक है, कोई रस्सी ले ले, अगर रस्सी का लूप बनाना है तो एक रस्सी को दूसरी उसके एंड से जाकर जोड़ दें तो वो एक लूप बन गया।
ऐसे ही होता है ना, यानी एक ही चीज का बार 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 होना, और हमने इसके साथ एक कंडीशन जोड़ दी है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती होगी तब तक बार बार उसको एग्जीक्यूट करो, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो उसकी एग्जीक्यूशन रोक दो, लूप से बाहर निकल आओ। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, इसको हम डिटेल में करेंगे। इसकी कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, ये हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 में। अभी हम इस चैप्टर में डिसीजन कंस्ट्रक्ट का चैप्टर है, यानी सिलेक्शन स्ट्रक्चर या डिसीजन स्ट्रक्चर को देखेंगे। फिर आ जाती है पहली डिसीजन स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट, जो कि है इफ स्टेटमेंट। जी, अब आ जाता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, ये सबसे पहली, अब ना हम आ गए हैं डिसीजन कंस्ट्रक्ट पे, यानी डिसीजन स्टेटमेंट पे, उनमें सबसे पहली है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए ये इस्तेमाल होती है। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट और इग्नोर अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर टेस्टिंग अ कंडीशन। एक कंडीशन होती है, जैसे ये देखेंगे आप लोगों को ना, यहाँ पे एक ये इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है, इस तरह से भी इफ स्टेटमेंट हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाद जो एक स्टेटमेंट आएगी या दो स्टेटमेंट आएंगी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो जो उसके फौरन बाद आने वाली स्टेटमेंट्स हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। इसको कंपाउंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं, सही है। अच्छा, अब इसको जी, इफ स्टेटमेंट ऐसे होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि पहले इफ आता है, ये इफ कीवर्ड है, ये इफ इसी तरह से आएगा। ठीक है, इफ जो है ये आपने इसको अगर आपने कैपिटल कर दिया, आई बड़ा कर दिया या कुछ इस तरह का मसला कर दिया तो कंपाइलर एरर दे देगा। कंपाइलर इसको एज इट इज जो है कबूल करता है, इसमें आपने ना ही केस चेंज करना है ना इसमें कोई और चीज चेंज करनी है। उसके बाद ब्रैकेट आएगी, ठीक है, जो कंडीशन आपने लगानी है किसी कंडीशन की बेस पे आपने कुछ स्टेटमेंट चलानी है, क्योंकि उस कंडीशन की बात हो रही है, इसके अंदर जो है ये कंडीशन आएगी। ठीक है, इस कंडीशन के बाद अगर आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, आम अल्फाज में हम बात करें कि अगर क्या लिखें, हाँ, अगर ये हाउस नंबर फला है, कोई भी हाउस नंबर एबीसी है तो बेल बजानी है। आपने क्या लिखा, इफ हाउस नंबर एबीसी देन जो भी है रिंग बेल या जो भी आपने करना है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक कंडीशन आपने लगाई कि अगर हाउस नंबर एबीसी है, यानी हाउस नंबर एबीसी कंडीशन आ गया, इफ जो है वो मतलब आपने एक कंडीशन लगा ली, तो फिर क्या करना है, आपने सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म किया, यानी बेल बजाई। ठीक है, अगर आपने एक के बजाय ज्यादा एक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएगी, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने कंप्यूटर सी लैंग्वेज में कोई कंडीशन लगानी है, इस कंडीशन अगर सिर्फ कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, एक ही एक्शन परफॉर्म कराना है, तो इधर खाली सिंपल एक स्टेटमेंट आ जाएगी और उसके आगे सेमीकोलन, बस। लेकिन अगर आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्म करवाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि बेल बजाओ, उसके बाद उनसे मिलो, उनका हाल चाल पूछो, एक आध सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ गई ना, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसमें क्या करना है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर आपने डालना हो तो आपको पहले इधर कर्ली ब्रैकेट लगानी है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जितनी भी आप डालना चाह रहे हैं आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गया इफ। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी वो इफ स्टेटमेंट के बाद आएगी। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर, इफ कंडीशन का, इफ का। अच्छा, अगर कंडीशन में ये क्या होगी, कंडीशन में आप रिलेशनल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करेंगे, आप लॉजिकल का भी इस्तेमाल करेंगे, ये ऑपरेटर का भी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या, लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि आप एक एक्सप्रेशन लेंगे, चाहे हो सकता है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो, सही है, जो अभी हम रिवाइज करके आए थे। ठीक है, अब हम चलो थोड़ा सा इस तरह प्रोग्राम लगता है, फ्लो चार्ट देख लें इसका, सही है जी। ये देखिए, ये वही चीज है, ये एक आपने स्ट्रक्चर इसका डिफाइन कर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद आपने कहा ये इसका स्ट्रक्चर था, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जितनी है ये वाली एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अगर ये एक ही ढेर सारी नहीं है, सिर्फ एक है, यानी ये वाली फॉर्म है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स हो जाती है, इनकेस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा,
तो ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि ये नेक्स्ट वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, ये इग्नोर हो जाएगी, इफ की कंडीशन इग्नोर हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी और इफ के बाद आने वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सही है। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट इस तरफ वाला आप गौर करें, फ्लो चार्ट में क्या है कि पहले कंडीशन टेस्ट होती है, सही है, ये डायमंड साइन जो है ये डिसीजन मेकिंग के लिए, अगर ये ट्रू हो जाता है यानी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट जो इफ के फौरन बाद आने वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये गौर करें ये फॉल्स के बाद क्या होगा, जो इफ के बाद आने वाली स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली इग्नोर हो जाएगी, ये इसका फ्लो चार्ट है, सही है। अब इसका एक प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स हैं, ये कर लेते हैं हम जी। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर, एक नंबर इनपुट करें एंड डिस्प्लेस अ मैसेज ऑफ द नंबर, displays that message, displays a message if a number is greater than 100. अच्छा, ये आपको ये प्रोग्राम और इसकी स्टेटमेंट सारी स्लाइड्स में मिल जाएगी, आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से स्लाइड डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूंगी। इसलिए हमने जो दो चार बातें की है, पहले कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, यानी कि हमने कोई नंबर इनपुट करना है, इनपुट नंबर हो गया, ठीक है। अगली बात क्या कर रहा है, डिस्प्ले अ मैसेज, मैसेज डिस्प्ले करना है, क्या मैसेज डिस्प्ले करना है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, प्रोग्राम बनाएं। अब इसका प्रोग्राम लिखें। अच्छा, प्रोग्राम लिखने से पहले, क्योंकि हम हर प्रोग्राम में CLR, SCR या ये स्क्रीन का फंक्शन और printf ये इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए बेहतर होता है कि हर प्रोग्राम को आप स्टार्ट ही करें, अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लें। कौन कौन सी? हैश इंक्लूड stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल, और हैश इंक्लूड conio.h। stdio.h हमने क्यों की इंक्लूड? क्योंकि इसके अंदर हमारा इनपुट आउटपुट का सारा सारी जो इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं यानी प्रिंटर, स्कैनर, इसके अलावा और भी वो इसके अंदर डिफाइन हुए हैं। हमने conio क्यों की? क्योंकि conio के अंदर clr, scr वगैरह डिफाइन हुए हैं। अब मैंने ये अच्छा एक मेन फंक्शन लिखा है, void main और main की दो brackets, ये मैंने अब main function end कर लिया, जहाँ पे भी होना हो सकता है मेरा यहाँ पे भी program आए। खैर, इसने पहली बात की है input number, यानी आपने कोई number input करना है, तो input number क्या होगा? यानी कि आप कोई पहले input number input करेंगे, कहाँ पे करेंगे आप? उसको कहाँ पे store करवाना है? तो ऐसा करते हैं कि हम number जो है ना, हाँ जी, हम नंबर जो है ना कोई किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे ना, ऐसा तो नहीं ना किसी ऐसे कहीं पे नंबर कर लेंगे। तो अच्छा, वेरिएबल को ले लेते हैं, उसको वेरिएबल को हमने बात की थी पहले, तो कोई भी वेरिएबल यूज करना है उसको लाजमी डिक्लेयर कराना पड़ेगा, पहले कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई फलां वेरिएबल हमारा आने वाला है, इसके लिए मेमोरी में जगह बुक कर लो। अच्छा, हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन ले लेते हैं, तो हमने कह दिया कोई इंटीजर टाइप है, फॉर एग्जाम्पल हम इधर लिख लेते हैं इंटीजर एन और आगे इसको सेमीकोलन बंद कर दिया, डिक्लेयर हो गया। अब हम इनपुट लेने लगे हैं, हमने कहा था स्कैनर जब भी यूज करेंगे उससे पहले बेहतर होता है कि आप प्रिंट टेस्ट कर लें ताकि स्क्रीन पे एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि हमारे क्या चीज इनपुट कर दी है। तो हम चले पहले प्रिंट टेस्ट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रिंट टेस्ट एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ठीक है, प्रिंट टेस्ट लिख लिया। कि आपने चैप्टर नंबर 10 में इसकी दोबारा से ना इसको अपने ये सिंटैक्स पक्के कर लेते हैं। फिर आपने scanf लिख के इनपुट किया, scanf में क्या करते हैं आप फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाई किसका लगाना है? इंटीजर का। इंटीजर का क्या था? परसेंट डी लगाया, कॉमा। अब आपने एड्रेस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल का नाम लिखना है, एड्रेस ऑपरेटर क्या है? एम्परसेंट साइन एक दफा, ठीक है, और वेरिएबल कौन सा है? एन के अंदर आपने करना है ना, ये एन लिख दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब आपका ये इनपुट वाला काम हो गया, नंबर इनपुट करा दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? आपने चेक करना है कि क्या वो नंबर 100 से बड़ा है या नहीं है। अगर वो बड़ा है तो आपने मैसेज डिस्प्ले करना है कंडीशन ट्रू होने की सूरत में। अच्छा चलिए, अब हम नंबर चेक कर लेते हैं। मैं कंडीशन लगाती हूँ, कंडीशन इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगाई, कंडीशन क्या लगाएंगे? नंबर इज ग्रेटर देन 100, वो रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा, यानी कि हम कौन सा वेरिएबल है नंबर में?
नंबर किस वेरिएबल में स्टोर हुआ है? एन वेरिएबल में. तो हम एन वेरिएबल को लेके कंडीशन लगाएंगे ना, यानी एन इज ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन होगी. यानी इफ एन इज ग्रेटर देन 100, ठीक है. अच्छा आगे क्या करना है? आगे कह रहा है मैसेज डिस्प्ले करा है कि मैसेज क्या होगा, इसी किस्म का होगा ना कि एन एन इज ग्रेटर देन 100, सही है. तो अब मैसेज कैसे डिस्प्ले कराएंगे? सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट आ रही है. आप चाहें तो इसके गिर्द ब्रैकेट लगा के उस ब्रैकेट के अंदर वो सिंगल स्टेटमेंट लिख दें. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहीं पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट एफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, लिख लें, ठीक है. चलिए मैं लिख देती हूँ ग्रेटर देन 100, ठीक है. एक तो ये तरीका है. एक तरीका ये भी है कि आप ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, आप इस कर्ली ब्रैकेट्स को ना डालें, ऐसे खाली सिंपल स्टेटमेंट लिख दें, ठीक है. तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम हो गया है. इसके बाद आप चाहे तो इसके बाद आप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके बाद आप एक प्रिंट एफ लगा दें, ओके, या फिर प्रोग्राम एंड, या जो भी आप करना चाह रहे हैं. और इसके एंड में ये जो आपने मेन शुरू किया था, मेन का जो आपने कर्ली ब्रैकेट थी, ये जो डेलिमीटर से, इसको यहाँ पे क्लोज भी करना है, वरना एरर आ जाएगा. क्लोज करना लाजमी है. यहाँ पे गेट सी एच लगाना है, गेट सी एच लगा दें. यहाँ पे सी एल आर एस सी आर लगाना है, क्लियर स्क्रीन का सी एल आर एस सी आर ये लगा दें. वैसा सारा कोड आपके अपने हाथ में है, जैसे मर्जी है. आपका जो मेन काम था करने वाला वो ये था कि पहले इनपुट लेना नंबर, और उस नंबर को कंडीशन लगा के उसको चेक करना. वो आपका यहाँ पे हो गया. अगर आप सी एल आर एस सी आर गेट सी एच वगैरह नहीं भी लगाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. अब चले इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ. ये प्रोग्राम हमारा हो गया. नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कहता है, बिल्कुल उसी स्लाइड में उसके नीचे है, आप लोग उसको अपनी स्लाइड्स खोल के देख लीजिएगा. मैं आपको अभी प्रोग्राम बताती हूँ. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स, इनपुट करे दो नंबर, टू नंबर्स, ठीक है. And find if second number is square of first number. कि क्या जो second number है, वो first number का square है, यानी कोई first f लिख देती हूँ, first number s, f first number, s second number. क्या f जो है, उस second number का square है, यानी कि f is square is equal to second number, कुछ इसके सभी चीज़ है. ठीक है चलें अब हम इसका program करते हैं. ये if statement हम कर रहे हैं, if statement के दोनों program. ठीक है चले अब इसका प्रोग्राम करते हैं. प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdio.h, वो तो आपने लिख दिया, और conio.h आपने खुद से ऐड कर देना है, ठीक है. void main, और उसके बाद ये आपका मेन प्रोग्राम शुरू हो गया. इधर आप clr scr वगैरह डालने, जो भी डालना चाह रहे हैं. अच्छा अब आपका पहला पॉइंट आ जाता है कि आपने दो नंबर इनपुट करने हैं. इनपुट करने से पहले आपको दो नंबर कहाँ रखवाएंगे, किसी वेरिएबल में रखवाएंगे. चलो दो वेरिएबल कौन कौन से ले लें हम, एक ले लेते हैं एक्स और एक ले लेते हैं वाई, जो मर्जी ले लें. फर्स्ट नंबर लेना है, सेकंड नंबर लेना है, एफ एस ले लें, जो आपका दिल करता है, ठीक है. हम एक्स वाई ले लेते हैं, या फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं, फिर आसानी रहेगी. फर्स्ट एफ फॉर फर्स्ट, एस फॉर सेकंड, ठीक है. इसको मैं डिक्लेयर करवा लेती हूँ, इंटीजर F, S डिक्लेयर करवाना लाजमी है, नहीं करवाएंगे एरर आ जाएगा. अब आपने इसको इनपुट करवाना है, मैं इनपुट करवा लेती हूँ. कैसे, प्रिंट एफ, स्कैन एफ से पहले प्रिंट एफ लिखना जरूरी है, एंटर टू नंबर्स, ठीक है. ये मैंने इनपुट करवा लिया स्कैन एफ. अब मैंने स्कैन एफ के जरिए क्या करना है, दोनों नंबर्स को इनपुट करना है. तो स्कैन एफ का क्या है, परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, क्योंकि दोनों इंटीजर है. मैंने एक ही स्टेटमेंट में दोनों कर रही हूँ, कॉमा एम्परसेंट साइन पहले एफ कर लिया और एम्परसेंट साइन एस कर लिया, दोनों को मैंने इनपुट करवा लिया, ठीक है. चाहे आप इसको अलग अलग कर लें, अलग अलग करना चाह रहे हैं अलग अलग कर लें. अब आया मेरी मेन कंडीशन, मैंने कंडीशन लगानी है इफ, इफ क्या है, फर्स्ट नंबर इज फाइंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी सेकंड नंबर ये जो है ये स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का, ऐसे ही है ना. तो हम क्या लिखेंगे कंडीशन में, कंडीशन क्या लगेगी, एफ इज इक्वल टू
एस मल्टीप्लाई बाय एस, स्क्वायर का नहीं मतलब है ना, स्क्वायर का मतलब है एस मल्टीप्लाई बाय एस, यदि दो दफा एस को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, उसका आंसर फर्स्ट नंबर के इक्वल आना चाहिए, यही कंडीशन बनती है ना। तो हमने दरमियान में आप याद करें सिंगल और इक्वल उस टाइम नहीं डाल सकते क्योंकि वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इक्वल ऑपरेटर जो है रिलेशन का वो डबल इक्वल टू साइन है। तो इस तरह से आपने कंडीशन लगा ली, कैसे एस इज इक्वल टू इक्वल, इन्होंने नंबर वन नंबर टू लिया हुआ है, ठीक है, इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, एस इज इक्वल टू इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस, ये कंडीशन लग गई। अब कंडीशन के बाद आपने क्या स्टेटमेंट लिखनी है कि वाकई ये जो नंबर है ये सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। अभी मैं कंडीशन लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ मैं, जो भी खत्म हो गई है, चले आगे चल जाती हूँ, आप नोट करिएगा ये इसके आगे से इधर से है, ठीक है। अच्छा प्रिंट एफ, अभी तक मैसेज लिखना है, सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये प्रिंट एफ बड़ी लंबी स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद आपने डेट सी एच लगा लें, जो भी करता है लगा लें, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, उसके एंड में डेलिमीटर यानी कि मेन प्रोग्राम एंड करना है, ये था आपका सारा प्रोग्राम, ठीक है। आपने इफ कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन ट्रू होगी यानी कि वाकई फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट एफ बनी ये इग्नोर हो जाएगी, ये जो इफ के फौरन बाद आ रहा है। अच्छा अब आपका जरा इसमें इस स्टेटमेंट की लिमिटेशन देख लेते हैं, यानी इसकी इसमें क्या ड्रॉबैक है, इसमें क्या खामी है, इसकी खामी ये है। अच्छा मैं एक सादा सा नंबर ले लेती हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, चलिए एक और प्रोग्राम कर लेते हैं ना, एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, इसी के नेक्स्ट स्लाइड जो है ना वो एक और प्रोग्राम है, चलेगी मैं, हाँ जी, क्या नंबर जीरो से बड़ा है या नहीं है, ठीक है, ये प्रोग्राम कर लेते हैं, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव है या नहीं है ये देख लेते हैं, अगर नंबर इनपुट किया हुआ नंबर पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है, मैं वो करने लगी, इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम है, दो हेडर फाइल्स, आंखें बंद करके इनको लगा लें, लगाना जरूरी है, stdio.h एंड conio.h, दो लगा ली, void main, main फंक्शन आपका स्टार्ट हुआ, डेलिमीटर लगा दिया, एक नंबर लेना है यूजर से इनपुट कर लें, क्या करें प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, हम प्रोग्राम पता क्या लिख रहे हैं, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। स्कैन एफ, अब वेरिएबल तो लिया नहीं जिसके अंदर नंबर लेना है, उसको लाजमी डिक्लेयर कराना है, इंट एन, स्कैन एफ परसन डी, और उसके बाद मैं आगे लिख लेती हूँ कॉमा एम परसन साइन एन, अब चेक करना है कि क्या नंबर इस पॉजिटिव है या नहीं है, पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, अगर आप टाइमलाइन के चेक करें, टाइमलाइन नहीं सॉरी, ये जो होता है आपका ग्राफ पे, जीरो से बड़े जितने नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जीरो से पीछे जितने नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो यानी आप जीरो को लेके कोई कंडीशन लगा सकते हैं, यानी इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो तो वो पॉजिटिव होगा, इफ एन इज लेस देन जीरो तो वो नेगेटिव होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, इसी चीज को हम लेके चलते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है नंबर पॉजिटिव है, प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, ये आपने प्रिंट कर दिया। इसके बाद आप बस एंड कर दें प्रोग्राम को, गेट सी एच लगाएं, एंड करें और बस खत्म करें। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं, इसमें क्या ड्रॉबैक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, अब ये प्रोग्राम कैसे रन होगा, पहले ये देख लेते हैं, पहले हेडर फाइल्स को मैंने है, मेन फंक्शन से प्रोग्राम रन होना होगा, मेन फंक्शन में पहले डिक्लेयर करेगा एन, यानी ये मेमोरी में एक ब्लॉक एन नाम से बुक कर लेगा, ठीक है, फिर क्या करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट एफ करेगा एंटर एनी नंबर जो स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया, फिर स्कैन एफ करेगा यानी एन में कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करवाएगा, यूजर ने कोई वैल्यू इनपुट की, फॉर एग्जाम्पल 10 कर दी, इनपुट कर दी, ठीक है,
फिर चेक करेगा कंडीशन, क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, यस n इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये प्रिंट कर देगा नंबर इज पॉजिटिव और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। प्रोग्राम बिल्कुल सही चला, आइडियल चला, बहुत अच्छा चला। लेकिन अगर यूजर यहाँ पे scanf में यूजर क्या करे, -12 इनपुट करा, यूजर ने गड़बड़ कर दी, यूजर ने -12 इनपुट करा दिया, तो क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये इनपुट हो गया, कंडीशन चेक हो गई, इफ n इज ग्रेटर देन 0 यानी कि -12 इज ग्रेटर देन 0, नो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, क्या होगा? प्रोग्राम की ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इग्नोर हो जाएगी, ये प्रो स्टेटमेंट नहीं चलेगी, प्रिंटएफ की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। और क्या होगा? क्योंकि नंबर तो नेगेटिव है और कोई ऑल्टरनेट स्टेटमेंट है ही नहीं, स्क्रीन बिल्कुल खाली आएगी, स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं आएगा, सही है, स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल कोई चीज नहीं आएगी, बिल्कुल खाली, हमें पता ही नहीं चला प्रोग्राम ने क्या प्रोसेसिंग की, क्या आउटपुट दी, क्या दिया, सही है। किसी भी चीज की प्रोसेसिंग के यही स्टेप्स होते हैं ना, पहले इनपुट किया जाता है या असाइनमेंट की जाती है, कुछ ना कुछ दिया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डिस्प्ले होती है। आउटपुट डिस्प्ले होना लाजमी है, वरना पता नहीं चलता कि प्रोसेसिंग हुई क्या है, काम हुआ क्या है। सेम यही सी प्रोग्राम में होता है, कोई ना कोई वैल्यूज होती है, इनपुट होती है जिसके ऊपर कैलकुलेशन होती है या प्रोसेसिंग होती है, और उसका आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है। अब इसके अंदर कोई आउटपुट ही डिस्प्ले नहीं हुआ, हमें क्या पता क्या हुआ, क्या खाली स्क्रीन आ रही है, तो इसका क्या है, ये इसका ड्रॉबैक है कि ऑल्टरनेट अगर स्टेटमेंट्स ये वाली जो इसके फौरन बाद आने वाली स्टेटमेंट्स इग्नोर हो जाती है, तो ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स हमारे पास कोई मौजूद नहीं है कि अगर ये वाली नहीं रन हो रही तो चलो कोई इसकी वैसे ही बता दे, कोई एरर दे दे कि भाई आपने नंबर ही नेगेटिव डाला था तो कैसे ये स्टेटमेंट्स रन होती, कुछ तो बताए ना, स्क्रीन खाली ब्लैंक तो ना आए। तो इसलिए इस चीज का सोल्यूशन क्या है, इस चीज का सोल्यूशन है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो ऐसा कर दो, वरना ऐसा कर दो, ऐसा मतलब होता है वरना, एक ऑल्टरनेट पाथ दे दिया, ठीक है। ये हम करेंगे इसके बाद, इफ एल्स के बाद हमारी इफ स्टेटमेंट दरबार खत्म हो गई है, इफ स्टेटमेंट की हमने ड्रॉबैक भी देख ली है, हमने इसका लिमिटेशन भी देख ली, ठीक है, लिमिटेशन ड्रॉबैक एक ही चीज है जी। इससे पहले अभी हमने की थी इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट की ना एक आम जुबान में एक हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अक्सर होता है ना, घरों में कोई चीज पकती है, जैसे कोई कोई खीर बन गई तो अम्मी कहती है जाओ फला फला के घर देखे आओ, तो वो कुछ कंडीशंस लगा देती हैं या कुछ आपको समझा के भेजती हैं। तो अच्छा, अगर इफ कंडीशन कैसे लगेगी, अगर आम हम अपनी डेली लाइफ में देखी जाए कि अम्मी कहें कि ये खीर लो और कोई फला शबाना आंटी या जो भी है उनके घर दे आओ, अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो, अगर क्या होगा कंडीशन लग गई कि अगर शबाना आंटी ने दरवाजा खोला तो आप उनको खीर दे देना, ठीक है। अब अम्मी ने ये नहीं बताया कि अगर शबाना आंटी ने दरवाजा ना खोला तो फिर क्या करना है, ऑल्टरनेट पाथ क्या है, कुछ भी नहीं बताया, सही है। तो क्या होगा फिर आपके पास अगली, अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास कोई और ऑल्टरनेट पाथ नहीं है, क्या आप क्या करें। उसका सोल्यूशन क्या था, उसका सोल्यूशन दिया इफ एल्स स्टेटमेंट ने। If else statement में जो if part है उसके बाद आगे condition लगेगी, अगर condition true होती है तो कुछ set of statements execute होंगी, अगर false होती है तो कोई और set of statements execute होंगी, हैं? For example daily life में अगर देखिए अम्मी कहती हैं कि शबाना आंटी के घर दे के आओ खीर, अगर उन्होंने दरवाजा खोला, अगर दरवाजा खोला तो खीर दे दो उनके घर, अगर ना खोला तो कोई रजिया आंटी के घर दे आओ, हैं? ये मैं ऐसी आर्बिट्रेरी से नाम ले रही हूँ, ये है कि मतलब कोई ना कोई alternate path कुछ बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसका देखें, इसका जो है ना फ्लो चार्ट, पहले फ्लो चार्ट या इस तरह से इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि पहले इफ आगे कंडीशन लगती है, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कंडीशन के बाद आने वाली जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, जैसे ये ब्लॉक वन है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, तो ये एल्स पार्ट में जितनी कंडीशन स्टेटमेंट्स आएंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और ये वाली इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये दो तरह से होता है, या तो इफ के बाद कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो, ज्यादा स्टेटमेंट्स हो, फिर इसको एज अ ब्लॉक हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अगर ज्यादा नंबर ऑफ सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट हो तो उसको हम बगैर ब्रैकेट्स के कर्ली ब्रैकेट्स के लिख सकते हैं, जैसे ये इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट,
नहीं होगी और else part वाली execute होगी. else का मतलब है otherwise, यानी कि अगर condition true नहीं होती तो फिर इसने execute होना है. ठीक है. अच्छा, इसका flow chart अगर आप देख लें वही बातें हैं. condition test होगी, अगर condition true है तो एक block execute होगा, अगर false है तो दूसरा block execute होगा, और उसके बाद next statement जो उस if structure के बाद आने वाली statements होंगी वो execute हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब आगे आ जाते हैं. ये if else का structure था. अब ये कुछ programs हैं. program आप देखें अगर, तो ये वाला program आप लोग खुद करिएगा. ठीक है, ये वाला program. ठीक है, जो ये बाकी दो programs हैं ये मैं वन बाय वन आपको अब करके दिखा देती हूँ. ठीक है जी. program की statement कुछ इस तरह से है कि write a program that inputs a number, यानी इनपुट करेगा कोई नंबर इनपुट करना है. ठीक है, आगे क्या कहता है, एंड फाइंड वेदर इट्स इवन और ऑड, कि क्या वो इवन है या ऑड है, ये आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये आपकी है स्टेटमेंट. अच्छा, अब इस प्रोग्राम को हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि पहले तो आपने उसी तरह से जो दो हेडर फाइल इंक्लूड करनी है आप कर दें, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड on io dot h. void main function start किया और इस main के अंदर आपने सारा program लिखना है. पहला काम क्या करना है, input करें number, जिस number को आपने find out करना है कि ये even है या odd है उसको पहले input कर दें. input कैसे किया आपने, आपने scanf लगाना है, यानी उससे पहले printf लगा देते हैं. printf क्या लिखा, enter any number, any number. ठीक है, ये मैंने प्रिंट एफ लगा दिया. अब स्कैन एफ लगाना है. अच्छा, किस नंबर को इनपुट करना है, किस वेरिएबल में करना है, वेरिएबल तो डिक्लेयर ही नहीं कराया, चले करवा लेते हैं इंटीजर एन. एन वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया. स्कैन एफ परसेंट डी, चूंकि ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो इसलिए हम परसेंट डी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर एम परसेंट साइन और वेरिएबल एन. एन में वैल्यू आ जाएगी जो भी आप नंबर एंटर करेंगे. अब आपने चेक करना है कि आया वो नंबर इवन है या ऑड है. कैसे चेक करेंगे, इसका एक तरीका है. इसका क्या तरीका है, कैसे चेक कर सकते हैं कि हम इवन है या ऑड. इवन और ऑड होता क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए जिसके रिमाइंडर में कुछ ना आए वो इवन नंबर होता है, और ऐसा नंबर जिसके रिमाइंडर में वन आ जाए और पूरा पूरा डिवाइड ना हो वो ऑड कहलाता है. ठीक है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सारे इवन नंबर है और ऑड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर का रिमाइंडर 0 2 से डिवाइड करने पे 0 आए तो वो इवन नंबर है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल नंबर n है कि अगर n mod, आपको याद है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने थे, 5 थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड. मॉड का क्या मतलब था, कि जो रिमाइंडर में चीज आ रही है. ठीक है, हम मॉड का इधर मॉड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे. अगर n mod 2, यानी किसी भी नंबर जो n जो है कोई नंबर है, इसको अगर 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए, इक्वल टू 0, तो वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज या एल्स वो ऑड नंबर होगा. ठीक है, ये प्रोग्राम बन गया ना. अच्छा सही है, अब इसी चीज को, इसी लॉजिक को हम कोड में लिख लेते हैं. कैसे लिखेंगे, अब कोड में कंडीशन लगाई, इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन क्या लगाई, n mod 2 इक्वल टू 0, यानी कि अगर n को इक्वल, याद रहे हम सिंगल इक्वल नहीं लगा सकते, वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा. हमने अगर रिलेशनल कॉल इक्वल ऑपरेटर यूज करना था, डबल इक्वल लगाएंगे. तो हमने क्या कंडीशन लगाई कि अगर जो नंबर हमने इनपुट कराया है उसको 2 के साथ डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है. हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है मैंने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया. प्रिंट एफ, नंबर इज इवन. else पार्ट आ गया. else का क्या मतलब है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर होगी प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, कुछ इस तरह की चीज लिखते.
और इसके बाद क्या होगा, ये मैंने मेन का जो है ना ये डेलिमीटर एंड कर दिया, प्रोग्राम एंड हो गया। इधर आपने गेट सी एच लगाना है, गेट सी एच लगाने की आपकी मर्जी, ठीक है। ये आपका एक प्रोग्राम हो गया। अब हम दूसरे प्रोग्राम पे आ जाते हैं। मैं इसका ना सिर्फ मेन वाला हिस्सा खत्म कर रही हूँ, ये मेन वाला पार्ट हटा रही हूँ। आप जो है ना ये क्योंकि दूसरा जो प्रोग्राम है कि उसमें भी हेडर फाइल इसमें लगनी है, उसके अंदर भी मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपका दूसरे प्रोग्राम की तरफ आ जाती हूँ। दूसरा प्रोग्राम है, स्टेटमेंट है, राइट है प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स, इनपुट करने हैं आप। ये देखिए स्टेटमेंट में आ गया, दो नंबर इनपुट करने हैं एंड फाइंड द मिनिमम फ्रॉम टू नंबर्स, मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम ई स्टेटमेंट है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं, देखते हैं। पहले तो दो नंबर इनपुट करा रहे हो, आपने पहले डिक्लेयर कराए इंटीजर ए कॉमा बी कर दिया मैंने, इनको इनपुट करा ले, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, स्कैन एफ और क्या किया परसेंट डी, परसेंट डी और एम परसेंट साइन ए, एम परसेंट साइन बी, ये आपने लगा दिया स्कैन एफ करके, इनपुट करा दिया दो नंबर, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट करना है कि इनमें से मिनिमम कौन सा है। इनमें से मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कंडीशन लगा दें ए इज लेस देन बी, अगर ए इज लेस देन बी कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब है ए छोटा है, ए मिनिमम है, यानी कि ए मिनिमम है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, इसका मतलब है बी मिनिमम है, तो आप एल्स लगा सकते हैं ना, एल्स बी मिनिमम, ठीक है। आपने माइंड में एक लॉजिक बना दी, सही है। ये इसको आप कोड कर लेते हैं कैसे, इफ कंडीशन लगा लें ए इज लेस देन बी, ब्रैकेट में कंडीशन लगेगी जो आते हैं, अगर ए इज लेस देन बी है तो क्या करें। अच्छा, मैं आपको ना ब्रैकेट्स के साथ कर दूंगी, मैंने ब्रैकेट लगा ली, प्रिंट एफ करते हैं कि ए नंबर इज मिनिमम, मैंने प्रिंट एफ किया। अब ये ए नहीं लिखूंगी मैं, याद रहे मैं वो नंबर लिखूंगी जो यूजर ने एंटर किया है, तो मैं क्या लिखूंगी, फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाऊंगी, पर्सन डी इज मिनिमम कॉमा, और पर्सन डी की जगह पे क्या आना चाहिए, यानी ए आना चाहिए, यहां पे मैं ए लिख दूंगी और ये बंद कर दिया। एल्स ये मैंने इसका इस ब्लॉक का मैंने ये कर्ली ब्रैकेट लगा दी। अब मैं एल्स पार्ट लिखने लगी हूँ, एल्स फिर कर्ली ब्रैकेट। अब मैंने लिखना है कि बी नंबर अगर ए मिनिमम नहीं है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली अदरवाइज, यानी दूसरी कंडीशन में बी मिनिमम होगा, तो मैं इधर प्रिंट एफ लिखती हूँ, मैसेज प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट एफ पर्सन डी इज मिनिमम, लेकिन अब की बार कॉमा डाल के बी लिख देती हूँ, के जो बी है ना यानी दूसरा नंबर है वो यहाँ पे पर्सन डी की जगह पे प्रिंट हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए प्रिंट होगा पर्सन डी की जगह पे, यहाँ पे बी हो जाएगा। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 10 में आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एंड में मैंने ये मेन का जो है ना यहाँ पे खत्म कर दिया, इसके नीचे गेट सी एच लगाना लगा लीजिए आपकी मर्जी है। ये हमारा हो गया, इस एल्स स्टेटमेंट हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए तो ये है कंडीशनल ऑपरेटर। हम इसका जो इफ लगाते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, फिर इफ के बाद वाला पार्ट, फिर एल्स के बाद वाला पार्ट, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट अगर ऐड करनी है, तो इतना लंबा चौड़ा काम करने की बजाय एक और कंडीशनल ऑपरेटर हमें दे दिया गया है। आप इससे सिंगल स्टेटमेंट में ये तीन चार स्टेटमेंट्स जो लिख रहे थे वो इन सिंगल स्टेटमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक जी, ये आपका प्रोग्राम था ना, इस प्रोग्राम को ही हम जो है ना कंडीशनल ऑपरेटर के जरिए कर लेते हैं। आपकी जो ये वाली स्टेटमेंट थी ना, इफ से लेके ये ऑफर तक, ये स्टेटमेंट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर लगा के, कंडीशनल ऑपरेटर के जरिए। कैसे, कंडीशनल ऑपरेटर पता कैसे लिखते हैं, ये इसको बाद में स्लाइड में लिखिएगा, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, ये ब्रैकेट है इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, आगे आपने क्वेश्चन मार्क डालना है एज इट इज, इसके बाद एक्सप्रेशन वन लिखनी है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या हो, ठीक है। इसके बाद कॉलन, और फिर एक्सप्रेशन टू लिखनी है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हो। तो हम इस तरीके से अगर इस इन स्टेटमेंट्स को लिखना चाहें हम कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे हम, ब्रैकेट
कंडीशन लिख दे, कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन बी, ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर ए वाकई लेस देन बी है तो फिर क्या करना है, फिर ये वाला पार्ट लिखना है प्रिंट एफ, और क्या लिखना है, पर्सन डी इज मिनिमम, और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देनी है जो के है कॉमा ए। अच्छा आगे आपने ये नहीं डालना, सेमी कॉलन नहीं डालना, बल्कि इसके आगे आपने कॉलन डालना है जो दो डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे। फिर लिखना अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर क्या करें, फिर आपने इधर लिख देना है प्रिंट एफ, आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ परसेंट बी इज मिनिमम और कॉमा बी, और उसके आगे सेमी कॉलन डाल देना, ठीक है। ये है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर अब मैं आपको जो हमने इवन ऑड वाला किया है उसका दिखा देती हूँ कि वो कैसे जी। ये देखें अगर आप कंडीशनल ऑपरेटर इवन ऑड वाला एग्जांपल देखें, इफ n परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर 2 के साथ उस नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर कुछ भी ना आए तो प्रिंट ये आया, ये जो है ये इसका पार्ट है, सिंटेक्स का पार्ट है। इसके बाद आपने ये इवन नंबर लिख देना है प्रिंट एफ इवन नंबर कॉलन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रिंट एफ ऑड नंबर, यानी ये कंडीशन ट्रू होने पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स होने पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है, एमसीक्यू के लिए इस ऑपरेटर को अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। अच्छा कंडीशनल ऑपरेटर का एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ये प्रोग्राम कर लें, ये प्रोग्राम जो मिनिमम वाला ही है, ये गौर करें, सही है, ये आपका प्रोग्राम था, इसमें आपने x और y दो वैल्यूज है, सही है, और जो वैल्यू मिनिमम होगी इन दोनों में से उसको मिनिमम वेरिएबल में पुट करवा देना है, ठीक है। अब ये गौर करें, ये कंडीशन लग गई x इज लेस देन y, अगर x इज लेस देन y होगा तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, अगर अदरवाइज ये वाली होगी। अब इस वक्त x क्या है 15, y क्या है 20, क्या 15 लेस देन 20 है, बिल्कुल है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू जो है ना ये कंसीडर की जाएगी, इस चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा मिनिमम में x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप मिनिमम को प्रिंट करवा दें, ये भी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का एक तरीका है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम आ जाता है कि राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर इनपुट करने हैं, ये देखें ये इस स्टेटमेंट से लेके इस स्टेटमेंट तक दो नंबर इनपुट हो गए, ठीक है, एक नंबर x और एक नंबर y, एंड डिस्प्लेस लार्जर नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, लार्जर नंबर को करना है डिस्प्ले यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, हमने पहले मिनिमम को किया ना, अभी जो मैंने आपको दिखाया, अब लार्जर है, लार्जर में क्या फर्क है कि ये साइन बदल गया, बस लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन आ गया। इफ x इज ग्रेटर देन y तो कौन सा नंबर बड़ा है x, यानी कि ये परसेंट d की जगह पे x आ जाएगा, x इज लार्जर अदरवाइज y इज लार्जर, ठीक है। ये सेम वही प्रोग्राम है, बस उसमें चेंज क्या आ गया कि आपने ऑपरेटर बदल दिया, लेस देन की बजाय ग्रेटर देन का ऑपरेटर कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेस्टेड इफ, ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, आज के लेक्चर में इतना है।